Good evening, students. Today we will read the next topic and the last topic of the chapter Electricity, Special Unit of Energy. Now you have read in class 9th. What is the commercial unit of energy? kWh. What is the commercial unit of energy? Kilowatt. और एनर्जी का फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. पावर हैज टू बी टेकन इन किलोवाट एंड टाइम हैज टू बी टेकन इन, इतना आपको करना है. ठीक है, और क्या पढ़ा था आपने? 1 किलोवाट आर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 to the power 6. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट. ठीक है, नाउ अब इसके न्यूमेरिकल है. अब इस साल बिजली का बिल निकालने को तो नहीं आएगा, बट सिंपल क्वेश्चन आता है कि एक डिवाइस है, उसका पावर इतना है, वो इतने टाइम के लिए चल रहा है, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा. अब जनरली पावर किसमें रहती है? वॉट में रहती है. किसमें कन्वर्ट करोगे? किलो वॉट में डिवाइड बाई 1000, टाइम आवर में रहता है. मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. कुछ नहीं है इसमें ना, इसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं. केवल एक ही डिवाइस दिया रहता है, जो 10th में क्वेश्चन आता है वो आपके 9th में था कि 3-4 डिवाइस, इसमें तो आपको एक ही डिवाइस दिया रहेगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. नाउ दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू. फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. चलो करो. अच्छा अभी बता, किसको नहीं बनता है करते बता दो चैट मैसेज में, तो उसको मैं सॉल्व करके बता दू. अक्षय यार, मैं बोल तो बहुत दिल से रहा हूं यार, तब भी मेरी आवाज नहीं आ रही तुम तक. चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करो, है ना. हे डू द क्वेश्चन प्लीज. हे स्टार्ट करो, लाइन से करते जाओ और आंसर मुझे बताते आओ. एक जब स्क्रीन शेयर होता है तो फिर बोर्ड दिखाई नहीं देता होगा ना. वाओ, सही है. चलो करो फर्स्ट क्वेश्चन. किसको नहीं बनता फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है. अनुष्का हैज गिवन द आंसर 25. सही है अनुष्का. अनुष्का को 1000 रुपए का नगद इनाम देंगे अपन. शगुन मीना 25, बहुत सही शगुन, वेरी गुड. डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो टिक मार्क वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक. शिवानी का भी आंसर दे, क्या बात है शिवानी. मृतिका का भी आंसर सही है. पहला एक मिनट सुन लो, पहला वाला सभी से बन गया, ऐसा कोई जिसको नहीं बन रहा तो बताओ, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, सेकंड का आंसर है भी आई आर स्क्वायर. आई स्क्वायर आर इज द राइट आंसर. V into I is the right answer. V square by R is the right. Third करो. चलो सही है. Third करो. ये question आपन ने कल ही किया था, पता है? Third वाला. I gave you. और ये class 12th की NCERT की book में भी है ये सवाल. Third वाला करो. Very good. Third 25 watt. Very good. Very good. कोई ऐसा बेटा जिसको नहीं आ रहा हो बता दो. Private chat मेरे को भेज दो. शर्माने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ेगी फिर बस पढ़ते जाएं. ओके, व्हाट व्हाट अनुष्का. फोर्थ वाला करो. फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है. टेक योर टाइम, डू इट. लिसन टू क्वेश्चन नंबर 4. टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ. मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, एंड इक्वल लेंथ सेम है, एंड इक्वल डायमीटर. डायमीटर सेम है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है. इसका कहने का मतलब रो सेम है, एल सेम है, ए सेम है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है. और अगर पहली वायर का रेजिस्टेंस आर है तो दूसरी वायर का भी रेजिस्टेंस आर होगा. फिर कह रहा है they are first connected in series and then in parallel. Series में करेंगे तो net resistance कितना हो जाएगा? 2R.
पैरेलल में करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई टू, हैविंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस. अब सुन रहे हैं यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है. अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, वी स्क्वायर बाई आर. तो सीरीज वाले केस में हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू आर, और पैरेलल वाले केस में हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर बाई टू. हाँ नहीं, टाइम की जरूरत था, ठीक है, टाइम भी सही है, अच्छी बात है, बट टाइम भी तो सेम है तो टाइम सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे. वेरी गुड, अच्छा हीट निकालना है. वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड. तो क्या आंसर आया, फिर से बता दो, मैं भूल गया. आंसर आएगा 1:4. वेरी नाइस, चलो एक बार देखो कैसे करना है जिसको नहीं बन रहा. फोर्थ वाला, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, देख लो बहुत इजी है. इससे इजी क्वेश्चन पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा. देखो दोनों वायर का रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक, लेंथ भी सेम है और डायमीटर मतलब एरिया भी सेम है, मतलब दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है. पहले अपन ने सीरीज में लगाया, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टू आर. और एक बार अपन लगाया पैरेलल में, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, और आर का नेट रेजिस्टेंस आर बाई टू, ठीक है. अब कह रहा है आपको हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है, दोनों को सेम पोटेंशियल के क्रॉस कनेक्ट किया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इनटू टी. तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज वी स्क्वायर अपॉन आर इन, टाइम तो सेम रहेगा. अब सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना टी आर का, हमने टी आर लिख दिया, डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन, ये कितना होगा, अब तो इंटू, ये तो बहुत नहीं है, इंटू टी, टी और टी कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, ये आर बाई टू, ये जो पूरा है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से आर और आर भी कैंसिल, ये हो जाएगा वन, और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 1:4. आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देख रहा है जूम का कैमरा थोड़ा वो हो गया, पता है फोकस वोकस सब खराब हो गया, बिल्कुल वो सब रेगुलर नहीं मान रही, मान रहा था. ये आपके अगले एनसीईआरटी के सवाल हैं, 5, 6, 7, 8, 9 करो इतना. हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, टेल मी द आंसर. कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, सीरीज में कि पैरेलल में, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. वेरी गुड, वेरी नाइस, रेज योर हैंड कर दिया, लोअर ऑल हैंड. क्लियर है, हाँ. क्वेश्चन नंबर 6 करो, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर. अब देखो ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में कहीं कई बार आया है, 3 नंबर का, वैल्यू चेंज कर देता है, बाकी सवाल सेम रहता है, और कई बार तो सेम सवाल रिपीट हो गया है. हाँ वेरी गुड, चलो ठीक है, वो ठीक है, सब बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 करो, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ohm. What will be the length of wire to make its resistance? ये मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, लेकिन आज फिर से करो आप लोग. चलो, I have already told you, but you do it again. Come on. In the 8th question, apply V is equal to I R. शगुन का आंसर आ गया. सबसे तेज आज तक. Wow, शिवानी और शगुन की आंसर में बहुत डिफरेंस है. शगुन का आंसर है 4800, शिवानी का आंसर है 4.8. बोलो, 1000 का अंतर है बेटा आप दोनों के आंसर में. बोलो बोलो, एक सही है और एक गलत.
अनुष्का का 4800 है तो मतलब अरे ग्रेसी की उसकी का आंसर अगर उसकी भी पढ़ाई के कुछ गड़बड़ है 4.8 × 10³। क्या बात है कृतिका, सही है। करो भाई, उदित उदित नहीं है क्या आज? अक्षम का आंसर भी आ गया, सही है अक्षित। ऋतिका का भी आ गया, वेरी गुड। जिसका देखो जिसका होते जा रहा है आंसर दो और फिर नेक्स्ट करते आओ, डोंट वेट। ठीक है, आज अपन जल्दी खत्म करेंगे, सैटरडे है। सैटरडे वैसे ऑफिस में वीकेंड होता था पहले, तो वी विल हैव अ वीकेंड, जल्दी छुट्टी कर देंगे। देन यू कैन गो ऑन द स्ट्रीट एंड यू कैन एंजॉय एज मच एज यू वांट। डोंट फॉरगेट टू वियर द मास्क एंड कैरी अ सैनिटाइजर विद यू। ये किसका नाइन्थ आंसर है? अनुष्का का 0.67, कृतिका का भी 0.67, रितिका का भी 0.67। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग अपनी जिंदगी में, बहुत आगे जाएंगे। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, स्तुति का भी 0.67, हाउ मच करेंट। चलो नाइन्थ वाला बेटा कर लिया सभी ने, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वो करूं, बढ़ूं आगे। बेटा नाइन्थ वाला हो गया सभी का, शगुन 6.0.67। यस सर, लड़के लड़कों का हुआ, लड़कों का सक्षम का तो पिछला हुआ है, जावेलो का हो जाए। शिवानी का आंसर आ गया, शिवानी सोनी में फेंगा दिखा दिया आपको। ओके, तुमको 10th क्वेश्चन कहां से दिख रहा है? तो शेयर ही नहीं हुआ। अच्छा तुम्हारे पास बुक है? ओके चलो देखो 10th वाला, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। ठीक है, करूं नेक्स्ट बेटा, सक्षम अक्षित और बाकी मित्र गणो। उदित उदित का सो रहा है। टेंथ वाला करो, टेंथ वाला क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधे उधर 12th का आंसर बताओगे तुम। टेंथ वाला करो बेटा। अच्छा टेंथ वाला किसको नहीं बनता बताओ, किसको क्लियर नहीं है टेंथ वाला? हाँ 4 रजिस्टर आई थिंक इज द राइट आंसर। किसको नहीं बनता टेंथ वाला बता दो, सभी को बनता है, शगुन को बनता है, क्या बात है, शिवानी को बनता है, वेरी गुड। वेरी नाइस, 10th वाले में हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल, तो लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर बी एन। अब जब सभी रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं और सभी पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई एन। तो कितना हो गया नेट रेजिस्टेंस, 176 अपॉन एन। करंट दिया है, पोटेंशियल दिया है, लगा दो V is equal to IR, V हो गया 220 is equal to 5 into R की वैल्यू हो गई 176 upon N। ट्वेल्थ तो मैंने कल आपको बता दिया था, 11th कर लिया, 11th क्वेश्चन का वो करो, मतलब अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ और मुझे शेयर करो। एक मिनट रुको, मैं शेयर का ऑप्शन कर देता हूँ, शायद तुम लोगों ने नहीं पता शेयर। हाँ शेयर स्क्रीन कर दिया मैंने। चलो 11th वाला 9 ओम 2 इन पैरेलल देन 1 इन सीरीज,
हाँ सही है, सुन लो बेटा सुन लो मित्रों, इलेवेंथ वाला मैं बताऊं, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो इलेवेंथ वाला क्वेश्चन अनुष्का का बिल्कुल सही है, थ्री इन पैरल एंड देन थ्री इन पैरल है अनुष्का, सेकंड वाला कैसे बोल रही हो, थ्री इन पैरल मतलब देखो इलेवेंथ वाला मैं बता रहा हूँ ठीक है, कह रहा है इलेवेंथ वाला देख लो सब लोग रुक जाओ यहाँ पे, इलेवेंथ में कह रहा है शो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस सिक्स ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ नेट रेजिस्टेंस ऑफ, पहला है नाइन ओम दूसरा है फोर ओम। हाँ देखो यहाँ पे बेटा केवल बेटा तीन ही रेजिस्टर है अपने पास टोटल, छह तीन और तीन तो फिर छह हो जाएंगे ना, ध्यान दो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ठीक है बोर्ड में, सी क्वेश्चन कह रहा है यू हैव थ्री रेजिस्टेंस ऑफ सिक्स ओम ईच, कितनी रेजिस्टेंस है इनका नंबर थ्री, इनको आप कैसे जोड़ो ताकि नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाए नाइन। अब देखो यहाँ पे बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना, नाइन है एक की वैल्यू कितनी है सिक्स है, तो मैं नाइन को ब्रेक कर सकता हूं इसके टर्म, कैसे ब्रेक कर सकता हूं सिक्स प्लस थ्री देख सकता हूं इनको सिक्स प्लस थ्री, अब यार देखो कैसे हो जाएगा मेरे पास तीन रजिस्टर है तो मतलब एक सिक्स ओम का लग गया सीरीज में, अब यहाँ थ्री आ रहा है मतलब इसके साथ दो कैसे लग गए पैरेलल में, ऐसे ब्रेक कर लिया करो, ये तो रटा रटा है सवाल है तो बहुत लोग को बन जाता है, कई बार ऊन जरूर भी दे रहा है तो आपको ब्रेक करके बनना चाहिए, तो दो सिक्स को पैरेलल में लगा दो, सिक्स और सिक्स का पैरेलल कितना आएगा थ्री, और उस थ्री के साथ एक लगा लो सीरीज में, तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे ठीक है, ये सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी एक मिनट बेटा। हाँ अब नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ वुड यू कनेक्ट दीज रेजिस्टर टू गेट अ नेट रेजिस्टेंस ऑफ फोर ओम, अब नेक्स्ट कह रहा है आपको कितना लाना है फोर ओम, अब थोड़ा ध्यान देना नेक्स्ट आपको फोर लाना है, अब थोड़ा सोचो यहाँ पे ठीक है, सीधे रखते हैं मत जाओ, अगर मैं तीनों सिक्स को पैरल में लगा दूं, पहले देख लेना, अगर मैं तीनों सिक्स को पैरल में लगा दूं तो नेट कितना आएगा सिक्स बाई थ्री दैट इज टू ओम, मतलब ये वाला केस क्या हो गया फेल हो गया, तीनों सिक्स सीरीज में भी लगेंगे, उसके पहले वाला कॉम्बिनेशन भी आपने देख लिया, जब ऐसा फंस जाए तो आपको क्या करना है, देखो जो नेट रेजिस्टेंस है वो सिक्स से छोटा है, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि आपने कैसे लगाया पैरेलल में, लेकिन पैरेलल में कैसे लगाया है दो पैरेलल में लगाए हैं और उसके साथ एक सीरीज में लगाया है, सुनो ये हिट एंड ट्रायल है, क्या है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल में तुक्का मारना, आपको टुक्का मारना पड़ेगा थोड़ा सोच, मतलब किसी को अपने आप नहीं बन जाता, मेरे को नहीं बनता कई बार, मेरे को सोचना पड़ता है मैं कैसे लगाऊंगा, तो ये सिक्स और ये सिक्स और ये सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, अब ट्वेल्व और सिक्स का पैरेलल निकालो आर वन आर टू, ट्वेल्व इंटू सिक्स अपॉन आर वन प्लस आर टू, ट्वेल्व सिक्स मुझे नहीं पता कितना होता, 12 प्लस 6 18, 6 1s are 6 3s are 3 1s are 3 4s आ गया ना 4, तो कैसे लगाना है 2 in series और उसके साथ 1 in parallel, और आपको ट्राई करते रहना है, अजीब अजीब डायग्राम भी आ जाते हैं एग्जाम में ठीक है, तो बस आप पहले ये देख लो कि भाई एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है, नेट रेजिस्टेंस 4 है, मतलब पैरेलल में तो लगाया है बट कंप्लीट पैरेलल में नहीं है, तो कंप्लीट पैरेलल में फिर कैसा है दो सीरीज में और दो सीरीज के साथ एक पैरेलल। आई होप इट इज क्लियर टू यू टू एवरीवन, आई थिंक इन द 16th क्वेश्चन मिनट इज गिवन, प्लीज कन्वर्ट इट इनटू आवर, डिवाइड बाय 60,
और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना बेटा, इसमें से भी एक सवाल बोर्ड में पक्का आता है, पक्का पक्का 16 का 250 बेटा। यूनिट लिखा करो ठीक है, विच यूजेस मोर एनर्जी, किलोवाट आवर लिख, और सुनो उसमें लिखना टीवी या टोस्टर। वेरी नाइस, 120 वॉट। चलो आप लोग से बनने लगा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आपसे चैप्टर बनने लगा, नहीं क्योंकि सबसे टफ चैप्टर है और पहला ही चैप्टर है क्लास 10 का, बहुत टाइम लगता लोगों को उसको समझने में। बट अभी अपन कह नहीं सकते कि आपसे बन रहा है कि नहीं, बिकॉज मंडे को टेस्ट है, मंडे को पता चलेगा कौन कितने पानी में, पानी पानी में, घर पानी में, नैनो में भर आए, है ना। चलो वेरी नाइस, 17। चलो ठीक है, आप सुनो अब आते हैं, नहीं बेटा कल क्लास नहीं है, सुनो सुनो एक मिनट रुक जाओ, मंडे को टेस्ट रहेगा ठीक है, मंडे को मैं पेपर बना के अपलोड कर दूंगा स्क्रीन पे, और आपको आंसर आप जो भी करना यहाँ तो वैसे शेयर कर सकते हो, और जो भी आप आंसर करना अपनी कॉपी में वो फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप में भेजना, तो आई विल टेल यू ठीक। अब सुनो एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोग को, और मैं क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग से पूछने वाला हूँ ठीक, कि किसका क्या आंसर है, और आप लोग ही बताएंगे। तो पहला सवाल है 18 का, कहाँ गया 18 का सवाल पहला, Why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? ये टॉपिक मैंने वैसे नहीं पढ़ा था, NCERT में दिया है, ये क्यों यूज करते हैं। तो बताएं ये क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, ये हम बताएंगे। सबसे ऊपर नाम आ रहा है कृतिका, कृतिका बताओ पहले का आंसर, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोग को, वेट अनम्यूट ऑल, अरे अनम्यूट होना ही चाहिए तुम लोग, ये क्या बात हुई, करके अनम्यूट बताओ भाई कृतिका, क्या आंसर है, Why is tungsten used almost for filament of electric lamp? क्यों यूज करते हैं tungsten का, कोई और बताएगा? कृतिका तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, शगुन, हाँ शगुन बताओ, स्पीकर ऑन है, चलो शगुन शगुन बोल रही है, क्योंकि टंगस्टन का एक तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है तो ऑक्सीडेशन बहुत इजीली नहीं हो पाता है, और दूसरा रीजन ये है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है इसमें। वेरी नाइस, टंगस्टन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई, फिर दूसरा रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो जल्दी हीट भी होता है ठीक है, जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं, ये भी उसकी प्रॉपर्टी, टंगस्टन जनरली मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टंगस्टन नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, बी वाला, ये तो मैंने बताया, बताओ रेज योर हैंड हु वांट्स टू टेल, शिवानी बताओ, शिवानी बी वाला, सर ड्यू टू द हाई रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज, हाँ एक रीजन हो गया, और बताया था मैंने दो तीन, रेजिस्टिविटी हाई होती है और हाई रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज, नहीं वो तो हो गया वही तो मैं, ऑक्सीडेशन, हाँ दे डू नॉट ऑक्सीडाइज, नहीं बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो मेटल खराब हो जाएगा, रस्टिंग होती है, अलॉयज की ऑक्सीडेशन नहीं होती। और एक और बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया, एक और बताया था ना कल, कारण बोलो बोलो जिसको बोलना बोलो, ये रोडीज का ऑडिशन चल रहा है, बट मैं यहाँ दूपिया नहीं हूँ, चलो बताया नहीं बोला, थर्ड वाला भूल गए, अरे यार क्या कर रहे हो, फोर किसी को नहीं बोला थर्ड वाला, थर्ड रीजन कल ही तो पढ़ाया था यार, सुनो क्या बताया था कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी रेजिस्टिविटी में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता, जिससे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है और कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करता है, नहीं तो अगर टेम्परेचर चेंज होता है और रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता तो फिर बराबर करंट उस डिवाइस को नहीं मिलता। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया,
with the rise in temperature, the change in resistivity is minimum, due to which a constant current flows through the device. उसमें कोई effect नहीं आता. ये तीन कारण हो गए. ये question तीन number का आ चुका है, इसलिए मैंने तीन point बताए हैं. अगर तीन नंबर का सवाल आएगा तो आपको तीन पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में तीन नंबर. ठीक है, सी वाला पार्ट कौन बताएगा बेटा? व्हाई इज द सीरीज? हाँ अनुष्का बताओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज और इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता तो करंट कितना ज्यादा. स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश. सो इन सीरीज अरेंजमेंट द रेजिस्टेंस, द ओवरऑल रेजिस्टेंस, वी कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज टू हाई, डज नॉट अलाइंग अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट इजीली. Secondly, if any of one, we can say appliance, so the other appliances also the third point can be the same voltage is not provided to all the appliances in a series arrangement. And in series arrangement, we have only one switch to switch on or switch off all the appliances that are connected to it. क्या बात है, वेरी गुड. आई होप सबने ध्यान से सुना होगा ना. दो तीन कारण है. सबसे पहला रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई. अब रेजिस्टेंस वेरी हाई हो गया तो हीट, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, अमाउंट ऑफ करंट सप्लाइड इज लेस. सेकंड, सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम नहीं होता. और जो थर्ड है, इफ वन ऑफ द डिवाइस स्टॉप्स वर्किंग तो सारे डिवाइस की वर्किंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएगा? मैं देख नहीं पाया, एक मिनट. कौन बता रहा है? इनवर्सली रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ एरिया सेक्शन, बिकॉज़ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. हां, मतलब आप उसमें लिख दो, एज द एरिया विल इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड वाइज वर्स. ठीक है, लास्ट कौन बताएगा? हां बता, जिसको बताना है कोई एक जन आपस में समझ में कर लो. वायर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर, कोई भी एक जन बता दो. अनम्यूट कर दो. वैसे मैं आएगी दोनों में. Copper and aluminium wire are usually used because both are having low electrical resistivity, thus they allow more amount of electrical current to pass through it. And secondly, they are available at an efficient cost. They are not very costly, so that we cannot buy them. हाँ, costly इसलिए नहीं है क्योंकि ये copper और aluminium काफी malleable हैं. तो थोड़े से metal में बहुत ज़्यादा wire इनकी बन जाती है ना. कल घर में आराम करना. ठीक, मंडे को आपका टेस्ट रहेगा. ठीक, आराम से आएगा, टेस्ट दीजिएगा. बीच में बोलने वाले की जरूरत नहीं है, आंसर शेयर करने की भी जरूरत नहीं है. टेस्ट देने के बाद मुझे आप कॉपियां व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज सकते, या तो यहाँ भी आप फोटो खींच के भेज सकते. लेकिन पढ़ना, ठीक है? वैसे नहीं कि टेस्ट में सर मैंने पढ़ाने वाले नहीं किया. और बाकी जो आपके फ्रेंड्स नहीं आए हैं उनको भी बताते हैं मैं. ठीक है बेटा, चलो. थैंक यू एवरीवन. वेलकम 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 वेलकम. ओके, पढ़ना ठीक है ध्यान से. ओके बाय बेटा, बाय बाय, वेलकम. हाँ बिल्कुल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय. बाय बेटा.